टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। उत्तर प्रदेश के गोंडा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 254 लोगों को गिरफ्तार किया है और साथ ही एक अवैध रूप से असलाह बनाने वाली फैक्ट्री का भी भंडाफोड़ करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि गोंडा पुलिस को ये बड़ी कामयाबी मिली है। ग्राम पंचायत चुनाव भी नज़दीक है, ऐसे में शहर का माहौल ना खराब हो इसलिए अपराधी छवि के व्यक्तियों की पुलिस ने धरपकड़ शुरू कर दी है और बीते 24 घंटे के अंदर 254 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी संख्या में इनके पास से तमंचा, कारतूस, चाकू बरामद किया गया है। गोंडा पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्रा ने क्या पूरी जानकारी दी है। पंचायत चुनाव के दृष्टिगत बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है, बल्क में गिरफ्तारी की गई है और कुछ बरामदगी भी बल्क में की गई है। क्या है पूरी कार्रवाई, कितनी गिरफ्तारी है? जनपद गोंडा में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को देखते हुए अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ सघन चेकिंग अभियान चल रहा था। पिछले 24 घंटे में जनपद गोंडा पुलिस के द्वारा 254 विभिन्न धाराओं में ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें 68 वारंटी है जिनके खिलाफ न्यायालय से वारंट था, 20 से भी ज़्यादा वांछित अभियुक्त हैं, आबकारी अधिनियम में 30 से भी ज़्यादा व्यक्ति है जिनको गिरफ्तार किया गया है जो गलत शराब, अवैध शराब बनाते थे, शस्त्र अधिनियम में ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया है और साथ ही साथ बड़ी बरामदगी के रूप में एक शस्त्र फैक्ट्री उसका भंडाफोड़ किया गया है। अवैध शराब करीब 500 लीटर वो बरामद की गई है, अवैध तमंचे, चाकू इत्यादि बरामद किए गए हैं। तो टोटल जनपद गोंडा में 24 घंटे के अंदर 254 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके इन सबको भेजा जा रहा है और इसी तरीके से जनपद गोंडा पुलिस के द्वारा लगातार अभियान अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलता रहेगा एवं जनपद गोंडा में कानून व्यवस्था सुदृढ़ रहे और पंचायत एवं आगामी आने वाले जो भी त्यौहार इत्यादि है वो भी सकुशल संपन्न हो, इसके लिए जनपद गोंडा पुलिस जो है इसी तरीके से कार्य करती रहेगी। इतनी बड़ी कार्रवाई का सीधा मैसेज क्या है पंचायत चुनाव के दृष्टिगत? आगामी पंचायत चुनाव में और कानून व्यवस्था जनपद गोंडा में सुदृढ़ बनी रहे इसके लिए क्लियर मैसेज है कि जो भी व्यक्ति अपराध करते हैं, न्यायालय से वारंट है उस पर हाजिर नहीं होते हैं, अवैध शस्त्र, अवैध शराब की बिक्री करते हैं, भंडारण करते हैं, ऐसे सभी लोगों को पकड़ के रगड़ के इन सबको जेल भेजा जाएगा जिससे कि जनपद गोंडा में कानून व्यवस्था सुदृढ़ रहे एवं आगामी जो पंचायत चुनाव है वो भी सुदृढ़ रूप से संपन्न कराया जा सके। सर, इन 254 में कितने वारंटी हैं? इसमें 68 वारंटी है जो कि न्यायालय के द्वारा वारंट NBW किए जाने के बावजूद भी जो न्यायालय में हाजिर नहीं हो रहे थे और साथ ही साथ आबकारी, अवैध शस्त्र इत्यादि में जो अभियुक्त हैं वो भी इसमें शामिल हैं।